का खतरा। सुजारा बांध के खोले गए सभी 12 गेट, 80% से ज्यादा डैम में भर चुका है पानी। छतरपुर टीकमगढ़ के बीच आवागमन बंद हुआ है। भारी बारिश के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बड़ी खबर इस वक्त ही आपको बता रहे हैं, सुजारा बांध के गेट खोले गए हैं, 80% से ज्यादा डैम में भर चुका है पानी। छतरपुर टीकमगढ़ के बीच आवागमन बंद हुआ है। भारी बारिश के बाद अब जो खतरा है बाढ़ का, वो यहां पर होता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। 80% से ज्यादा डैम में पानी भर चुका है और ऐसे में अब अगर यहां पर और डैम का जो लेवल है वो ऊपर जाता है तो जाहिर तौर पर पानी छोड़ा जाएगा और इससे जो बाढ़ का खतरा है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। सुजारा बांध के सभी 12 गेट जो हैं वो खोल दिए गए हैं क्योंकि 80% से ज्यादा डैम भर चुका है और आने वाले समय में कई इलाके जो हैं आसपास के वहां पर बाढ़ का जो खतरा है वो देखने को मिल सकता है। सुजारा बांध के 12 गेट खोल दिए गए हैं। नरसिंहपुर से बड़ी खबर है, तेज बारिश के बाद नर्मदा नदी का बढ़ा जलस्तर। नदी के पानी के साथ बहकर आए शैवाल, शैवाल आने से टापू जैसा दिख रहा बरमान घाट। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, तेज बारिश के बाद किस तरह की स्थितियां देख सकते हैं और नदी के पानी के साथ बहकर आए हैं शैवाल। यहां पर शैवाल आने से टापू जैसा बरमान घाट दिख रहा है। काफी लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं क्योंकि बारिश काफी ज्यादा हो रही है। नदी नाले इस वक्त पूरे ओवरफ्लो हो रहे हैं और इस वजह से यहां पर टापू जैसा नजारा जो है वो देखने को मिला है। भाई भोपाल से बड़ी खबर है, विधानसभा उपचुनाव मिलकर